রাসূলুল্লাহি গালিব গালিবুন আলা গালিব দামাদ রাসূল হযরত সাইয়্যিদনা মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আপনি বিলাদত দিন রাত ইশা দি নামাজ তো বাদ মাহফিল পাক দে বিচ বিলাদত আলী তুসানে সমাত ফরমাই ওর উসি উনওয়ান দি আগলি কড়ি আরদা খুতবা জুমাতুল মুবারক কুরআন মাজীদ দি বড়ি মারুফ আয়াত পাক পড়ি अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ओ लोगो जिड़े ईमान लेके आयो फरमाया इत्तकुल्लाह तुसी तकवा इख्तियार कर लो रब हुक्म फरमा रहा जमा मुजक्कर हाजिर अमर हाजिर मरूफ दसी गए अल्लाह हुक्म दिता इस दे अंदर इत्तकुल्लाह तुसी तकवा इख्तियार कर लो मुत्तकी बन जाओ भाई नाल फरमाया वकूनु मा असादिकीन और सच्चियां दे नाल हो जाओ अल्लाह ईमान वाले नो दावत दे रहा कि ईमान वाले ओ तकवा इख्तियार कर लो और डर जाओ अपने रब दे कोलू तकवा इख्तियार करन तो बाद मेरे रब ने इरशाद फरमाया वकूनु मा असादिकीन फिर सच्चियां दी संगत भी इख्तियार कर लो अल्लाह हुक्म दिता ईमान वाले नू ईमान वाले कौन ने बाबुल ईमान दी हदीस पाके सरकार ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व नासि अजमाइन जदों तक कोई बंदा अपने वालदैन अपनी औलाद हत्ता के सारी कायनात तो बहुत प्यार में मुहम्मद नल नहीं कर लेता ईमान वाला नहीं हो सकता। हदीस रसूल ने दसिया कि ईमान वाला ओ वे जड़े अपनी औलाद अपनी आल वालदैन सारी कायनात तो वध के प्यार मुहम्मद मुस्तफा दे नाल करदा है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ईमान वाले ओ मेरे यार दे आशको अपनी जान ते औलाद ते वालदैन नाल बहुत प्यार मेरे यार दे नाल करन वाले ओ इत्तकुल्लाह तुसी तकवा इख्तियार कर लो या अल्लाह तकवा लभना कि थू है जे इजाजत होवे ते पढ़ा अल्लाह दा कुरान माशाल्लाह ए तुहाडी सुभान अल्लाह पहली ने दस दिता भी तुसी तकरीर सुनन दे मूड़े च बैठे हो ते मैं तकरीर करन दे मूड़े च मोहब्बत ना उच्चा बोलो सुभान अल्लाह तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अय्युहल्ला सुबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलकाकुम वल्लज़ीन मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून करीम ने इरशाद फरमाया लोगो अल्लाह की इबादत करो अर्थ की अल्लाह तेरी इबादत करिए की देवेगा अल्लाह ने इरशाद फरमाया तेनो तकवा देवगा जब रोजे की वारी आई अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनो कुतिबा अलैकुमुस्सय्याम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान वाले हो तुसी रोजे रखो अर्ज की अल्लाह इनाम केड़ा अल्लाह फरमाया अल्लाह कुब तको अल्लाह फरमाया तकवा दे देवांगा नमाज पढ़िया भी तकवा मिलता है रोजा रखिया भी तकवा मिलता है अर्ज की अल्लाह मैं नमाज पढ़ के तकवा जमा कर लिया मैं रोजा रख के तकवा जमा कर लिया क्या मैं कामयाब आग अल्लाह फरमाया वकूल मसादिकीन अल्लाह फरमाया अगर कामयाब होना चाहे फिर सचिया दे नाल हो जाग ये सच्चे कौन ने हजरत इमाम बाकर फरमा दे वकूल मसादिकीन इस तो मुराद मौला अली इस तो मुराद मौला अली फिर पता लगे आग नमाज पढ़िया तकवा मिलदा रोजा रखिया तकवा मिलदा अल्लाह फरमा रहा मेरिया नमाजा नाल गल नहीं बननी सिर्फ रोजिया दे नाल गल नहीं बनने फरमाया सच्चिया की संगत इख्तियार करके आग या अल्लाह सच्चिया की संगत कितों मिलेगी इमामे बाकर फरमा ने इस तो मुराद मौला अली अल्लाह ने दसी आग
नमाज भी पढ़िया कर, रोजा भी रखिया कर, पर कामयाब उदो होवेगा जो तेरे दिल में अली का प्यार होवेगा, जो तेरे दिल में अली का प्यार होवेगा। मोमिन की निशाने निशानी जिक्रे अली दे नाल उदा चेहरा खिल जाना, और मुनाफिक की निशानी है भी जिक्रे अली किया जाए तो चेहरा मुरझा जाता है। साबा फरमाते ने कदे दिल करदार सी ना भी चेक करिए बंदा अपना के बेगाना है, मोमिन के मुनाफिक है, असी जिक्रे अली करते जे चेहरा खिल जाता सी पता लगता सी आधा ही है। पंजाबी च दस देना जे मुंह ते 12 वज जांदे ते पता लगदा भी ये साडा नहीं है। हजरत अली दा जिक्र किया जाए तो अज भी मुनाफिक नस जाता है, ते सिद्दीको उमर दा जिक्र किया जाए तो शैतान नस जाता है। कैसे पैमाने और कैसे जाविये अता फरमाए रब ताला ने अहले सुन्नत नू। हजरत मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु 13 रजब नू फातिमा बिनती असद दी गोद दे विच बैतुल्ला शरीफ दे विच गोदे तशरीफ लेके आए थे, मां ने नाम हैदर रखा। हैदर का मतलब है चीर फाड़ देने वाला शेर। हजरत अबी तालिब ने आपका नाम अली रखा, अबुल हसन असदुल्लाह ये आपके अलकाबात ने। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो आपका मादे रसूल भी ने। मौला अली दे बारे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सी, अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया आखिरत च मैं मुहम्मद दा वीर है। हजरत अली नू अबू तुराब भी आख्या जांदा है। एक दे सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा आप दे नाल कुछ नाराजगी हो गई तो मौला अली मस्जिद दे विच तशरीफ लेके गए, ते मौला अली मस्जिद दे विच लेट गए, आप दी कमर मुबारक तो कमीज उठी कपड़ा उठिया ते आप दी जमीन दे नाल कमर पी लगे टच पी होवे, इंज कह लैने आ मस्जिद दी जमीन मौला अली दी कमर मुबारक दे बोसे पी लैंदी सी। हुजूर सैयदा पाक दे घर तशरीफ लैके आए ते हुजूर ने फरमाया सैयदा अली किथे ने, बाबा मौला अली थोड़ा जिहा मेरे नाल नाराज हो गए ने ते मस्जिद तशरीफ लै गए ने। हुजूर तशरीफ लेके आए थे हजरत अली लेटे हुए थे, मिट्टी मौला अली की कमर मुबारक दे नाल मस पी होंदी बोसे पी लवे, ते हुजूर ने फरमाया कुम या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ खड़ा हो जा। ते मौला अली फरमांदे ने पता नहीं नबी करीम ने केड़े मिठे लहजे नाल मैनू अबू तुराब आख्या, फिर मेरा दिल करदा सी जो भी मैनू पुकारे अबू तुराब ही आख्या करे, मैनू अबू तुराब ही आख्या करे। मां ने नाम हैदर रखिया। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु आप दा हाले बचपन है सी, क्योंकि बच्चों के आपने पहले कलमा पढ़िया। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरान दी चोटियां ते ऐलान किया, लोगों इकट्ठा कर लिया ते फरमाया भी लोगो अगर मैं आखा ऐ पहाड़ के पिछे एक बहुत वड्डा लश्कर है तुहाडे ते हमला कर देवेगा मनोगे? उन्होंने आख्या अंत सादिक, महबूब तू सच्चा है, असी जरूर यकीन कर लवांगे, अज तक तुसी कदे झूठ नहीं बोलिया कमली वाले, अगर तुसी आखो कि लश्कर ते हमला करने वाले असी मन जावांगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया करे मन दियो, कहन लगे कमली वाले असी मरने तुसी कदे झूठ नहीं बोलिया, मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं कदे झूठ नहीं बोलिया फिर ए भी मनो मैं अल्लाह दा नबी मेरे ते ईमान ले आओ, कलमा पढ़ लो फला पा जाओगे, एक दूजे वल पै वेखदे ने सारे सोची पै गए, एक छोटा जिहा बच्चा उन्हें जिक्र के हाथ बुलंद किया कहन लगा कमली वाले आए मैं गवाही दिलावा तू सच्चा है, मैं ते तेरे ईमान मैं तेरे ते ईमान लेके आया, मैं तेरा कलमा पढ़ लाग, मैं तेरे नबी होने की गवाही दे लाग, तेरे रसूल होने की गवाही दे लाग, खुदा का पैगंबर होने की गवाही दे लावा, तेरी सदाकत की गवाही दे लाग, तेरी नबूवत की गवाही दे लाग, तेरी रिसालत की गवाही दे लाग, एक गवाही देने वाला कौन है? तेरी खैर सलाम इसे बच्चे मौला अली।
दिया खुदी बच्चों के बीच सारे तो पहले कलमा पढ़ने वाले हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिए अगर सहाबा दे विच ना होवन ते सहाबा ना मुकम्मल अहले बैत च ना होवन ते ना मुकम्मल अली सहाबा विच भी ने अहले बैत विच भी ने घर वालियां दे विच भी शामिल यारां दे विच भी शामिल बल्कि इंज कह लैने मौला अली दी ओ शान सहाबा दे विच भी अली अहले बैत दे विच भी अली यारां दे विच भी अली प्यारियां दे विच भी अली जंग दे विच भी अली फतह करन दे मौके ते भी अली अली दी शान सफर दे विच भी नाल हजर दे विच भी नाल घर वालियां दे विच भी शामिल यारां दे विच भी शामिल प्यारियां दे विच भी शामिल मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन कुल तो मौला हो फहादा अली जुल मौला हो अल्लाह ने कुराने मजीद च फरमाया वकूल मासादिकी पर पता लगिया अली ओवे कमली वाले दे फरमान विच भी अली खुदा दे कुरान विच भी अली मुस्तफा करीम दे फरमान दे विच भी अली मौजूद ते खुदा दे कुरान दे विच भी अली मौजूद मौला अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बारे हुजूर ने इरशाद फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा मैं इल्म दा शहरां ते अली उसदा दरबार है आना दारुल हिकमत व अली बाबुहा मैं हिकमत दा शहर मैं हिकमत दा घर ते अली उहदा दरवाजा आप दे उलूम दी वजह तो एक दिन मौला अली नमाज पढ़ने जा रहे सन ते कुछ लोगों ने सवाल कर लिया आप दी बारगाह दे विच मौला अली इरशाद फरमाओ बड़ी मारूफ बात है ऐसे जानवर कीड़े ने जिहड़े अंडे देंदे ने ते बच्चे देने वाले कीड़े ने मौला अली फरमान लगे भी नमाज दा वेला है मैं जरा नमाज अदा कर लवां ते बाद दे विच ना तुहाडा मामला क्लीयर कर लैने आ कहन लगे ना ना सानू हुणे दसो भी किहड़े जानवर अंडे देंदे ने बच्चे किहड़े जानवर देंदे ने मौला अली फरमान लगे नमाज लेट हो जाएगी भी मैं पहले नमाज पढ़ लवा उन्हों का ख्याल है भी कि सवाल ही ऐसा करिए जे जवाब दे तो नमाज लेट हो जाए जे नमाज वाल चला जाए तो आखांगे भी एवें कहंदा मैं इलम दे शहर का दरवाजा तो पता है कोई नहीं मौला अली ने जो तो फरमाया ना यार मैनू नमाज वाल जान दो कह लगे नहीं नहीं पहले दसना पवेगा तो आपने फरमाया फिर सौखा जहा खुल गया भी सुन लो जिन्हों के कन्न बाहर होंगे ने बच्चे देंगे ने जिन्हों के अंदर होंगे ने अंडे देंगे मौला अली नमाज पढ़न गए नमाज पढ़ के वापस आए तो आपस खड़े ने गिणते ने पे गाय के कन्न बाहर ने बच्चे देंदी चिड़िया के अंदर ने अंडे देंदी इस तरह ना चीज़ा गिणते पे ने एक दूसरे ने कौनी मार के कहें असी अली रोले पाना सी अली सानू रोले पा गया है मौला अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दी शान है ते शायर ने तर्जमानी फरमाई तो राज़दारे खफी जली है जिधर भी देखो अली अली है जिधर भी देखो अली अली है तो राज़दारे खफी जली है जिधर भी देखो नहीं इंज नहीं इंज नहीं मौला अली का जिक्र इंज करन दा ते फिर स्वाद ही नहीं ना भाई जिधर भी देखो नहीं सारे नहीं बोले जिधर भी देखो बार वाले तुसी धुप्पे बैठे हो तुहाडा बहुत हक बनता जिधर भी देखो अतीक तुसी वाहत किसी भी नहीं चुकिया जिधर भी देखो वैस भाई जिधर भी देखो मेरे नाल मिलके पढ़ो तू राज़दारे खफी जली है जिधर भी देखो मजा नहीं आ रहा जिधर भी देखो जिधर भी देखो मौला अली दा इंज जिक्र करो हज़रत अली दा जिक्र करिए बुढ़े वेलिआं दे विच वी जवानी आ जांदी ए पता बुढ़ा भी होवे बल्कि एक मिसाल दे देला पुराने लोगों नूं वेख लो कोई भारी चीज़ चुकनी आउंदी नाल कहंदे सलिया अली ए
इवें लगता सी जिवें बार होला हो गया है। अली का जिक्र करन दे नाल ते बुढ़ियां दे विच भी जवानी आ जांदी। जिद पे देखो, जिद पे देखो। नहीं नहीं भाई, मैं पहले एक गल सुना देना वा। असी दरवाजा खोलने ना लकड़ी का, तो आयल वगैरह ना लगे या कोई भी दरवाजा, तो आवाज़ आती है ची। सीरत दी किताबां च आउंदा आखरत वाले दे जन्नत दा बूआ खोलांगे ते आवाज़ आवेगी अली। हुण भी ना बोलो ते तुहाडी मर्जी, जिधर भी देखो। हाथ अपने ने नाल लैके आया तो बुलंद करके जिधर भी देखो। इंज सुन्नी जिक्र अली दा करदे ही इंज ने, जिधर भी देखो। हाले सारे बंदे नहीं हाथ चुके, दो चार रहिंदे ने, जिधर भी देखो। मेरे नाल मिलके पढ़ो, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। तू राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। उलमा फरमान ने आखरत मैदान होवेगा, मेरे नबी ने फरमाया अली तेरी शान होवेगी। तू पुल सिरात खड़ा हो जावेगा, लोग गुजरते होंगे, तू आखेगा नी तो दुखे ऐ तेरा ही ऐ मेरा ही ऐ तेरा ही ऐ मेरा ही ऐ तेरा ही ऐ मेरा ही। हुजूर ने फरमाया अली आखरत वाले दिन जड़ा तेरा होवेगा वो तो दोज़ख नहीं जावेगा, जड़ा तो दोज़ख जावेगा तेरा नहीं होवेगा। फिर सानू कहना चाहिए जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। तू राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो। हजरत मौला अली एक सफर पे कर दे आ, तेरे फाका करीब आ गई ते आके कह लगे सुनिया पानी खत्म हो गया है, सानू भी प्यास लगी है, साढ़े जानवर भी प्यासे ने। कह लगे अली मशकीजे भी मुक गए ने। मौला अली फरमाण लगे कि इस जगह ते जमीन खोदोगे, जमीन खोदी गई नीचे एक पत्थर आ गया। फरमान ने पत्थर नू बाहर कढ़ो, सारे कोशिशां पे करदे ने पत्थर बाहर नहीं निकले। आग मौला अली ने फरमाया हट जाओ, सारे पीछे हट गए। मौला अली ने अपनी उंगलां उस पत्थर दे विच डालियां, पत्थर नू चुकिया कलिया सैड ते सुटिया। करीब एक गिरजा घर पादरी आ गया ते आके पुछदा तू नबी है? आपने फरमाया मैं नबी नहीं। आग ते कह लगा फिर किसे नबी दा सहाबी है? मौला अली फरमान लगे मैं अल्लाह दे आखरी नबी दा सहाबी। आग कह लगा तेरा नाम की है? आप तेरे फका कह लगे तेनों नहीं पता, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। तू राजदार खफी चली है, जिधर भी देखो अली अली है। पादरी करीब आया ते बैठ गया, कहन लगा मैनू बड़ा अरसा पहले दा पता है, इत्थे इक चश्मा है ते कन्फर्म मैनू नहीं सी पता इस जगह ते उस ते कहते, ये पता सी कि करीब मेरे गिरजा घर दे करीब एक चश्मा है वे, ते मैं पहलियां किताबां दे विच पढ़िया वो चश्मा वो ही बंदा खोलेगा या नबी होवेगा या किसी नबी दा सहाबी होवेगा। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो जिहड़े सारे ना पत्थर निकाल सकिया कल्या कढ़ दिता, कला कमूस सी ना फतह नहीं हो रहा, खैबर दा बड़ा मजबूत कला फतह ही नहीं हो रहा। सहाबा ने हमले किए, एक रात हुजूर ने इरशाद फरमाया सवेरे मैं झंडा ओनू देवांगा जिहदे नाल
अल्लाह भी प्यार करता है ते मुहम्मद भी प्यार करता है। और जिंदे हथु रब तआला खैबर नूं फतह करवा देवेगा। हुण साबत सारी रात सोचते रहे किहड़ा खुश नसीब जिन्हों झंडा मिलना है। सवेरे झंडा देने की वारी आई, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ऐना अली, अली कित्थे वे? साबर्द की मदीने वाले उदिया अखा दुख दिया ने, अखा तकलीफ है, इस बाइस तशरीफ नहीं लेके आए मौला अली। तो हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना अली। मौला अली ने बुलाया तो सरकार ने अपना लुआबे दहन मुबारक अली दी अखा में लगाया। इस लुआबे दहन ने मौला अली दी बड़ी पुरानी संगत सी, हुजूर हजरत मौला अली ने गुड़ती भी अपने लुआबे दहन की दी सी। किड्डी मुहब्बत की गल है बई, साढ़े घर बच्चा पैदा होवे शहद दी चीनी दी गुड़ दी शक्कर दी किसी मिठी चीज़ दी सी गुड़ती देने आ। अली आया तो हजूर दे लुआबे दहन की गुड़ती, हसन आया तो हजूर दे लुआबे दहन की गुड़ती, हुसैन आया तो हजूर दे लुआबे दहन की गुड़ती। पता लग्या फिर हजूर दे लब मुबारक तो दुनिया ते मिठी शह ही कोई नहीं है। मेरे नबी ने लुआबे दहन मुबारक हजरत अली दी अखां दे विच लगाया ते झंडा भी अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया अली जा, तेरे हथों रब ताला फतह अता फरमावेगा। कला कमूस बड़ा मजबूत कला सी, उमरा शरीफ के नेड़े जांदे ने ज़ियारात दे विच इस कले नूं विखाया भी जांदा है। वह कला मौजूद है अपनी असली हालत दे विच, उहदे कोई निशानात जिहड़े हैं ने वो असली हालत च खड़े ने। हुण खैबर वाली जिहड़ी जंग है ये जारी है, ज़ियारतां वास्ते स्पैशल जाना पैंदा है, अज भी बंदे ज़ियारत करदे ने जगह दी। हुण जदों लोग लड़दे ने पए, मौला अली दे हाथ च हुज़ूर ने झंडा दे दिता, सहाबा भी नाल ने, कला कमूस तक पहुँचे ना तो मरहब आया, मरहब करीब आया तो कहन लगा ओ आउण वालिया तैनू नहीं पता मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखिया है। ते फरमाया अकल दे अन्या तैनू नहीं पता मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया है। मैं पहले अर्ज किया हैदर का मतलब है चीर फाड़ देने वाला शेर, और मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया है। ते मरहब कहन लगा हट जा, मौला अली फरमाते ने तैनू नहीं पता मैनू झंडा मुस्तफा करीब ने दिता है, मैं ते फतह करने दे वास्ते आया वा। मौला अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हो, मैं डिटेल च ना जावा मुख्तसर अर्ज करा, टाइम थोड़ा एक और बात भी अर्ज करनी। मौला अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हो ने मरहब ते हमला किया, इन्हें टुकड़े कर दिते, वासले जहन्नम कर दिता। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दामाद मौला अली ने कला खैबर नूं फतह कर लिया, कला कमूस नूं खैबर दे विच फतह कर लिया। तेरे तो कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दे नाल हुजूर दा मशवरा सी कि काफिर जंग करना चाहते ने, जंगे खंदक दा मौका सी, ए साढ़े ते हमला करना चाहते ने। हुजूर ने सहाबा नूं जमा फरमा लिया, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया सहाबा किस तरीके दे नाल दिफा किया जाए। एक या दो हफ्ते पहले असां ने कुरानी मजीद की तफसीर दे विच भी ये सरसरी जिहा वाकिया पढ़िया, खंदक दा वेला ते सहाबा बैठे थे, अर्द कीती माजाक दे काजल वाले आओ असी निकल के दिफा कर ले आ। हुजूर दे सहाबी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हो अर्द कीती या रसूल अल्लाह जे मेरे आखे लगो ते असी इस तरह करने आ कि खंदक खोद लैने आ मदीना पाक दियां साइडां ते, यानी बहुत वड्डी खाल खोद लैने आ जिहड़ी गहरी भी होवे कोई क्रास ना कर सके, कोई छलांग लगा के क्रास ना कर सके, उन्दे विच अग जला देने। साढ़े फारस के लोग ईरान के लोग इस तरीके दिफा करते सन, सोना जे तुसी आखो ते इंज ना कर लवीए। नबी पाक सरकार नूं सलमान फारसी का मशवरा बड़ा पसंद आया, सरकार ने फरमाया सी मदीने च रह के इस तरीके मदीने का दिफा करांगे। खंदक खोद ली गई, अग जला दी गई, वह आ गए तो हैरान ने कि मदीने वाले ने की किया, वो खंदक क्रास नहीं कर सकते, बिच अग जल रही है। तो उन्होंने एक पहलवान से जिंदा नाम अमर बिन अबदे वुद सी, बहुत वड्डा पहलवान सी ते हजारां दा कला मुकाबला करन वाला, उन्हें अपनी सवारी नूं दुड़ाया, छलांग लगा के खंदक कूद के आ गया।
कहन लगा है कोई मुकाबला करने वाला। हजरत अली थोड़ा जो हुजूर दे करीब होए, सोना जे इजाजत होवे ते मैं जावां। आपा तो सुभान अल्लाह भी नहीं ना कह सकते हैं। आ केड़े रोजे ने पीती जाओ सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं जावां। हुजूर ने फरमाया ठहर जा अली। उन्हें दोबारा फिर आख्या है कोई मुकाबला करने वाला। हजरत अली फिर करीब या रसूल अल्लाह देहो ना इजाजत है। तो हुजूर फरमांदे ने ना ना। मौला अली चुप कर गए। तीसरी बारी उन्हें आख्या ओए मदीने वाले हो तुसी भुखे प्यासे तुहानू खाण अच्छा खाना नहीं मिलता पीण अच्छा पानी नहीं मिलता फटे पुराने लिबास पहनने वाले गरीब लोग तुसी कौन जे मेरा मुकाबला करने वाले है कोई मुकाबला करने वाला ते सामने आवे। मौला अली करीब आकर अर्ज करदे ने कमली वालिया हुण ते इजाजत दे दिओ। सरकार फरमाया अली तैनू नहीं पता वो अमर बिन अब्दे वुद्दे ते मौला अली ने गावां झुका के कहंदे ने सोणिया इहदे वी ते वेखो इहदे वी ते हैदरे करार है ना। सरकार ने खुद जुल्फकारे हैदरी दिती दस्तार मुबारक बनी ते फरमाया जा अली तेनू सत्ते ही खैरा नहीं हाय हाय जिन्हों मुर्शद हथी टोर देवे उन्हों राह विखाण की लोड़ नहीं। सरकार ने खुद तैयारी करा के पूजिया फरमाते ने जा अली कर अमर बिन अब्दे वुद्दा मुकाबला। मौला अली मुकाबले दे विच है ते मौला अली पैदल ने इस सवारी ते बैठा होया है। इहदे ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा ले अर्ज की या अल्लाह अपना अमीर हमजा उहद दे विच मैं दिता अपना उबैदा मैं जंगा शहीद कर लिया या अल्लाह फला फला सहाबा मैं तेरी बारगज कुरबान कर दिते ते अज मेरा अली मैनू हटा देवी मेरा अली मैनू वापस कर दे मेरे नबी ने ना हाथ उठा ले ते आला हज़रत इरशाद फरमांदे ने इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद खुदा की रजा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मौला अली तैयारी करके सामने आ गए ते हज़रत अली फरमांदे ने हां भी करनी है जंग ते कहन लगा बच्चा तू मेरा की मुकाबला करना है तू मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकता। मौला अली फरमान लगे मैं तेरे नाल जंग करन दे वास्ते आया वहां ते उन्हें पूछा भी तू कौन है तेरा नाम की है। मौला अली फरमांदे ने मैं अली इब्ने अबी तालिब। वो कहन लगा अबू तालिब ते मेरा यार है ते लोका मैनू ताने मारने ने कि अपने भतीजे नू जंग दे विच मार दिता है तू छोटा है मैं तेरे नाल मुकाबला नहीं करना। मौला अली फरमान लगे तैनू तेरी यारी पे मार दी है मैनू अपनी यारी पे मार दी है तेनू तेरा यार मुकाबला करन नहीं देंदा ते मेरे यार ने खुद मैनू दस्तार बन के कले आए ते मैं ते तेरे टुकड़े करके जाने ने ते कहन लगा ना ना तू मेरे मुकाबले दा नहीं। मौला अली फरमांदे ने कदे सामने आ ते सही ना हाँ तू ते अपनी सवारी ते सवार है तू अपनी सवारी ते बैठा है। वो उतरिया उन्हें तकबर दे नाल ना गुरूर दे नाल तलवार मारी ते अपनी सवारी दियां लत्तां ही कट दित्तियां ते सामने खड़ा हो गया। मौला अली फरमांदे ने यार मेरा दिल ले के ना सजा वरना अली तेनू नसर नहीं देना। कहन लगा बचाओ के ते छोटा हो के मैनू तड़िया पे लगाना है। फरमाया चलो नसना नहीं ते इंज कर कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। कहन लगा किसी हाल च कलमा नहीं पढ़ांगा ते मौला अली फरमान लगे फिर इंज कर बई मेरे ते वार पहले कर ले। कहन लगा क्यों। मौला अली फरमांदे ने कल नू तेरियां बहना तेरे ते जदों रोवण ते वैण करन ते इह ना आखण भी सामने वाले ने मौका ही नहीं दिता ए ते ना ना सोचण भी सामने वाले ने संभलन नहीं दिता मौका नहीं दिता कर ला पहले वार। अज अली तेनू सुला पे मार दे पहले वार कर ले ऑफर है मेरे तरफों। मौला अली फरमान लगे वार कर ले ए बड़ा हैरान हो गया
आर वाला छोटा है बड़िया 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 लगाई जा रहा ओने वार कीता मौला अली उछले ए वार तो बच गए पौने दिवाली ते दुआ पै कर देने अर्ज की आला मेरे अली दी हिफाजत करी वाली ते दुआ करी जा रहे हजरत अली ने उदे ते हमला कीता अमर बिन अब्द बुद ने मौला अली ते हमला कीता एते घटा उड़िया धूल पई उड़दी इतले पे सोच दे ने कि हजरत अली ना शहीद हो गए होण काफिर पे सोच दे ने अमर बिन अब्द बुद कामयाब हो गया मुसलमान पे सोच दे ने अली कामयाब है जो घटा बैठ गया वेखिया अमर की लाश पे तड़पदी जड़ा हजारां दा कल्ला मुकाबला करन वाला सी उनकी लाश पे तड़पे ते मौला अली अपनी तलवार पे लहराते ने ते फरमांदे ने तुहानू दस्या नहीं सी मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया जे मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया है हजरत अली दी ऐसी बहादुरी खैबर दे विच कला कमूस आपने जो फतह कीता सी ना आपने जेड़े कल्या जेड़े दरवाजे नू उखाड़ दिता सी सुरकानी दी रवायत है कि बाद विच 40 बंदा बाद ने 80 भी लिखे ने इस तो ज्यादा भी बाज किताबा चांद है कम अज कम 40 की रवायत है 40 बंदियां चुक के दरवाजा साइड ते रखिया सी जिन्हों कल्ला मौला अली ने चुकया सी ते पता लग्या फिर अली अली है ना ते ताई असी कहने आ तू राजदार खफी जली है जिदे बे देखो आखिर एक मिनट आ तू चुक लो जिदे बे देखो अली अली है जिदे देखो अली अली है तो राजदार खफी जली है जिदे भी देखो अली अली है जिदे भी देखो अली अली है दुआ है रब ताला मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी शुजात और आपकी सीरत के मुताबिक सानू जिंदगियां बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए वमा अलैना इल्ला